देश नहीं पूरा विश्व भी कोरोना की महामारी से लड़ रहा है, जूझ रहा है, उसी को देखते हुए आज पूरे देश में जो एक फसल में जो परेशानी आ रही है, कटाई की परेशानी, पूरा देश उसके लिए एक महामारी के चलते उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिख रहा है। इसी को लेकर आज हम देहरादून के वार्ड नंबर 100 नथुवाला मौजूद है, जहाँ पे दीपक पवार द्वारा एक नई मशीन लाई गई है जिसमें कि गेहूं की फसल को काटा जा रहा है। और जो कि अधिकतर देखा जा रहा था कि जो कि बाहर से मजदूर आया करते थे पूरे डोईवाला जो एक कृषि क्षेत्र है उसमें फसल काटने के लिए, क्योंकि यहां पे किसानी वाले क्षेत्र ज़्यादा हैं, किसान लोग अपनी फसलों से ही अपना आयात निर्यात करते हैं, उसी को लेकर हम देखेंगे कि मशीन कितनी लाभदायक है, क्योंकि मजदूर जो कि रुड़की से आया करते थे और अनेक स्थानों से आकर यहाँ की जो किसानों की मदद करा करते थे फसल काटने में, उसको लेकर एक बहुत ही परेशानी आ रही है जब से लॉकडाउन हुआ है, उसी को देखते हैं मशीन कितनी कारगर साबित। कारगर साबित होगी किसानों के लिए। और जो कि किसान जो कि मजदूर आया करते थे जो कि लगभग एक बीघा के लिए एक घंटा दो घंटा की कड़ी मेहनत करने के बाद फसल काटा करते थे, उसी लेकर जो मशीन है एक प्रकार से पूरी आपने देखा भी पूरी वीडियो में किस प्रकार ये गेहूं की कटाई करी है और एक सीरियल वाइज एक पूरी वाइज यहाँ पे रो में एक पूरी जो गेहूँ की फसल को लगा दे रही है, जिससे कि यहाँ पे जो आम जनता जो मजदूर होंगे जो हम किसान होंगे उन्हें आसानी होगी इन्हें इकट्ठा करने में और गाने में। और देख सकते हैं आप जिस तरह जमीनी स्थल पर ये मशीन काम कर रही है, आप देख सकते हैं बिल्कुल जो जमीनी स्थल पर जो गेहूँ की कटाई हो रही है बिल्कुल साफ तरीके से हो रही है, और जिसमें कि कोई संदेह की बात नहीं है कि पूरी जो मशीन है एक प्रकार से बहुत ही अति उत्तम कार्य कर रही है, जो कि किसान है जो एग्रीकल्चर के जो लैंड कराई जाती है वीडियो वाला विधानसभा उसको लेकर ये बहुत ही मुहिम जो दीपक कुमार द्वारा लाई गई है मशीन पूरे गाँव में एक प्रकार से बहुत ही उत्तम कार्य कर रही है। आप देख सकते हैं अभी आपको गेहूँ गवाई भी जाएंगे किस तरह मशीन के द्वारा ये गेहूँ गाए जा रहे हैं, और क्योंकि किसानों की जो परेशानी थी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी इतनी फसलों को लेकर, उसको लेकर ये मशीन आई है नेशनल मशीन नियमित रूप से कार्य कर रही है। इसको देखते आगे क्या कुछ होता है किसानों के लिए, आखिर क्या कुछ आयात निर्यात की सुविधाएँ सरकार बढ़ाती है। ये मशीन आई है उसके जो हम संचालक यहाँ पे दीपक कुमार हमारे साथ मौजूद है। दीपक कुमार जी हमसे पूछना चाहेंगे किस तरह ये मशीन काम कर रही है और किस सोच के को आगे रखकर आप इस मशीन को सामने लाए खेती बाड़ी के लिए। लॉकडाउन के चलते हुए इसलिए लेबर की दिक्कत से इसलिए हम ये मशीन लाए हैं क्या ताकि लेबर की कमी ना लगे, जो लॉकडाउन में चलते जो लेबर आ नहीं रही थी उसके लेकर जो समस्या को देखकर आप लेकर आए। लेकिन दीपक मुझे आप ये बताएं जो मशीन जिस प्रकार से लेबर आती थी लेबर पूरे कितना टाइम लेती थी, दो तीन घंटा लेती थी एक बीघा के लिए, लेकिन इस मशीन में कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है? इसमें मुश्किल से ज़्यादा टाइम नहीं लगे, 20-25 मिनट लगेंगे या 20-25 मिनट लगेंगे, 25 मिनट से भी कमी लगेंगे। तो ये था हमारा बीच दीपक का साफ तौर पर यह कहना है कि वो एक मुहिम के तौर पर एक मशीन को लाए हैं, क्योंकि जो खेती बाड़ी की जमीन है यहाँ पे डोईवाला विधानसभा में उसमें अधिकतर खेती बाड़ी दिखाई जाती है, जिसको लेकर किसान परेशान थे लॉकडाउन के चलते। बहुत से जो मजदूर थे छुटमलपुर के मजदूर थे यहाँ आके यहाँ पे जो लेबर के रूप में काम करते थे फसलों की कटाई से लेकर गवाही तक पूरा सहयोग करते थे, उसी को लेकर अब जो लॉकडाउन के चलते वो नहीं आ पा रहे हैं, कोरोना महामारी का जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो भी किसानों में देखने के लिए मिल रहा है उसको लेकर दीपक ने साफ तौर पर कहा है कि ये जो मशीन है केवल 20 से 25 मिनट पर आपकी एक बीघा की जो फसल की कटाई कर देगी, उसके साथ गवाही का भी इनके पास पूरा साधन मौजूद है, और इसको चलते आप देखते हैं कि किस प्रकार से गवाही कर रही है इनकी मशीन। गेहूँ की जो कटाई की मशीन है गवाही की मशीन एक प्रकार देखा आपने किस तरह से कार्यरत है काम कर रही है और कम समय पर अपनी पूरी कुशल प्रक्रिया से पूरा कार्य करी है, इसी को लेकर हमारे बीच भाई साहब, और भाई साहब आपका नाम? विपिन पवार जी आपने बताया जो आपकी जो है फसल थी पूरी कितने बीघे की फसल थी? 5 बीघे थी। 5 बीघे की, तो इसमें मैक्सिमम कितना टाइम लगा इस मशीन को कार्य करते हुए? इसमें लग गया है 1 घंटे करीब लग गया है। 1 घंटा 5 बीघे में, मतलब 1 घंटे में ये कटाई हुई गवाही भी? कटाई गवाही दोनों। तो कितना समय लगा और उसके बाद जो मजदूर आया करते थे उस पे और उसके कंपैरिजन में कितना टाइम आपको लगा? तो 2-3 दिन लग ही जाते थे। साफ तौर पर यही कहना है कि जो मशीन लाई गई है और जो कि लॉकडाउन जैसी स्थिति जो कि कोरोना महामारी से पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व भी एक प्रकार से जंग लड़ रहा है इसे जीतने के लिए, उसमें ही किसान लोग भी एक प्रकार से बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं, और जो उनकी फसलें जो होती हैं पक चुकी थी जिनकी भी एक प्रकार से एक समस्या डामाडोल समस्या पैदा हो रही थी, आखिर इन्हें कौन काटेगा आखिर इन्हें कौन गवाएगा, उसको लेकर यह मशीन बहुत कारगर साबित हो रही है।